हे फोक्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द हाउसेस अक्टूबर बिल्ट पार्ट 2 को, और ये एक कोलैबोरेशन वीडियो है। तो आपको फर्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे हस्बैंड के चैनल यानी कि गोस्ट सीरीज पर जाकर देखना होगा। और अगर आपको इस मूवी को लेकर कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है मूवी के ही फर्स्ट पार्ट के एंडिंग से, जिसमें हम देखते हैं कि ब्लू स्केलेटन ग्रुप का एक मेंबर कॉफिन के लिए गड्ढा खोद रहा है, और तभी वहां पुलिस की एक कार आ जाती है और पुलिस ऑफिसर बाहर निकलकर उस आदमी को गन पॉइंट पर रख लेता है और उसे साइड में जमीन पर लेटने के लिए कहता है। अब पुलिस ऑफिसर गड्ढे में जाता है और कॉफिन खोल के देखता है तो उसमें कोई नहीं होता है, और जब वो साइड में देखता है तो वो आदमी भी भाग चुका होता है। अब हम ब्रांडी को देखते हैं जो कि कार की डिक्की में बंद है। कुछ दूर चलने के बाद एक सुनसान सी जगह पर कार रुक जाती है और फिर ब्रांडी को डिक्की में से निकाला जाता है। ब्रांडी को ब्लू स्केलेटन के मेंबर्स कुछ रिकॉर्डिंग कैसेट्स दिखाते हैं और उसे वहां छोड़कर चले जाते हैं। इसी तरह वो बॉबी, जैक, माइकी और जेफ को भी छोड़ देते हैं, और हमें ये पता चलता है कि असल में फर्स्ट पार्ट में कोई नहीं मारा गया था। जैसे कि हमें लगा था कि जेफ और माइकी मर चुके हैं क्योंकि फर्स्ट पार्ट के एंड में उन्हें कहीं नहीं दिखाया गया था, और फर्स्ट पार्ट में हमने कॉफिन्स के अंदर सबको दफन होते हुए देखा था, जिससे हमको ये लगा कि ब्लू स्केलेटन ने सबको मार दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब हम एक साल के बाद का सीन देखते हैं। हैलोवीन से पहले न्यूज पर हमें पिछले साल बॉबी, जैक, माइकी और जेफ और ब्रांडी के साथ हुए हादसे के बारे में बताया जाता है। न्यूज रिपोर्टर बताता है कि इस ब्लू स्केलेटन ग्रुप ने यूट्यूब पर ब्लू स्केलेटन नाम से एक चैनल बनाया और उसी पर ब्रांडी की कॉफिन वाली वीडियो को लाइव दिखाया था, जो कि बहुत हिट हुई और उस पे 24 मिलियन व्यूज आए। रिपोर्टर एंड में एक सवाल करता है कि हैलोवीन में किसी को कोई डराने के लिए किस हद तक गिर सकता है, क्या इसकी कोई लिमिट है। अब हैलोवीन से एक हफ्ते पहले जैक ब्रांडी से मिलने जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ब्रांडी उस रात हुए हादसे के ट्रॉमा से अभी भी सफर कर रही है। जैक ब्रांडी से कहता है कि क्यों ना हम वही चीज दोबारा करें जिससे हम पिछले साल बहुत डर गए थे, मगर इसके लिए ब्रांडी मना कर देती है। फिर जैक बताता है कि पिछले साल हुए हादसे से तुम इतनी फेमस हो गई हो कि हॉन्टेड हाउस वाले हम पांचों को बुला रहे हैं, हमें बस वहाँ जाना है और उनके हॉन्टेड हाउस का प्रमोशन करना है, जिसके लिए हमें पैसे भी मिलेंगे, मगर ब्रांडी इन सब के लिए तैयार नहीं होती और मना कर देती है। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहती हूँ भारत के बिगेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के बारे में, जहाँ पर आप लूडो, क्रिकेट, कॉल ब्रेक, पूल जैसे 70+ गेम्स खेल के जीत सकते हैं 50 लाख तक के कैश प्राइजेस। अब आप फ्री खेलो या पेड, वो आप पे डिपेंड करता है। और यही नहीं, मैं तो अपनी फैंटेसी टीम्स भी इधर ही बना रही हूँ। और डरना मत, आपको यहाँ अपने जैसे ही रियल प्लेयर्स मिलेंगे, तो जीतना भी इजी है एकदम, और अपना सारा कैश प्राइज इजिली विड्रॉ कर सकते हैं पेटीएम, यूपीआई और बैंक ट्रांसफर के थ्रू। वैसे यहाँ विंजो स्टोर भी है, जहाँ आपको मिलेंगे फ्री फायर डायमंड्स इंडिया में चीपेस्ट प्राइस पर, और आप बिगेस्ट ब्रांड्स लाइक मिंत्रा, हॉटस्टार, डोमिनोज इत्यादि के डिस्काउंट कूपन्स भी खरीद सकते हो। सो पैसा जीतो भी और पैसा बचाओ भी, बाकी और क्या चाहिए आपको। KTM, रॉयल एनफील्ड, iPhone 13, ये सभी कुछ मिल रहा है इधर रोज स्पिनर घुमाने पर, तो जाओ और विंजो डाउनलोड करो। तो सबसे अच्छी बात ये है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करिए और ₹50 का बोनस भी आपको वहाँ मिल जाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि बॉबी, जैक, माइकी और जेफ मिलते हैं, और जिन हॉन्टेड हाउसेस से उन्हें इनविटेशन आता है वो उनमें से कुछ जगह पर आते हैं, मगर ब्रांडी के ना होने की वजह से उन्हें पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही होती है। अब बॉबी ब्रांडी से एक लास्ट टाइम रिक्वेस्ट करता है और उसे झूठ बोलता है कि जेफ आउट ऑफ मनी हो गया है और इस प्रमोशन के काम से हम जेफ की मदद कर सकते हैं। बॉबी कहता है कि बस हम एक सॉफ्ट टूर करेंगे, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। इस बात से ब्रांडी मान जाती है और हैलोवीन टूर पर जाने के लिए राजी हो जाती है, मगर टूर पर जाने से पहले ब्रांडी डॉक्टर मार्जी से मिलती है। डॉक्टर मार्जी ब्रांडी के मेंटल फेयर को कुछ मीटिंग सेशन में बात करके कुछ कम कर देती है। डॉक्टर मार्जी से मीटिंग के बाद जब ब्रांडी और उसके दोस्त टूर शुरू करते हैं, तो हम देखते हैं कि एक आदमी भी कार से उनका पीछा कर रहा होता है, और उसकी कार की दूसरी सीट पर वही ब्लू स्केलेटन का मास्क होता है। अब हम आगे देखते हैं कि ग्रुप ट्रैवल करते हुए हैलोवीन कैपिटल इन द वर्ल्ड नाम के एक हॉन्टेड हाउस में पहुँचते हैं, और फिर ब्रांडी यहाँ से हॉन्टेड हाउस का रिव्यू करती है, और फिर एक के बाद एक और भी हॉन्टेड हाउसेस को ब्रांडी और उसका ग्रुप कवर करता है, जो कि हॉन्ट में नॉर्मल होते हैं। अब दोस्तों, यहाँ हम करीब 40 मिनट की मूवी देखते हैं,
जिसमें ये ग्रुप घूम घूम के बस रिव्यू वीडियो बना रहा है और ये मूवी का बहुत ही बोरिंग पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के कंपेयर में थ्रिल भी इस मूवी के मिड सेशन से गायब है। थ्रिल के नाम पर हमें बस ब्लू स्केलेटन के ग्रुप के किसी आदमी को बार बार दिखाया जाता है जो कि बस इनका पीछा कर रहा है। अब मूवी में थ्रिल फिर से बंधता है जब ये ग्रुप हेलबेंड नाम के एक हॉन्टेड हाउस का पता लगाने की कोशिश करता है जो कि इनके लिस्ट में सबसे ज्यादा हॉरर है। मगर हेलबेंड जाने से पहले ये सभी एक और हॉन्टेड हाउस जाते हैं और यहाँ हाउस के अंदर ब्रांडी अपने फ्रेंड ग्रुप से अलग हो जाती है और जब उसे पता चलता है कि अब वो अकेली है तो वो डरने लगती है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है। बाहर निकलते वक्त ब्रांडी उस आदमी को देखती है जिसने ब्लू स्केलेटन का मास्क पहना होता है और उससे डर के ब्रांडी वहाँ से भागकर मैनेजर के पास पहुँचती है। वो मैनेजर को डांटने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब उसके साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं और मैनेजर को वीडियो दिखाने पर मैनेजर कहता है कि ऐसे किसी कॉस्ट्यूम में हमारा एक्टर अंदर ही नहीं है। अब ब्रांडी बाहर आती है और अपने दोस्त जैक को ढूंढकर उसे डांटने लगती है और कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं किसी भी एक्सट्रीम हॉन्टेड हाउस में टूर नहीं करूंगी। अब पहले तो जैक उसे पूछता है कि क्या हुआ और जब ब्रांडी बताती है कि मैंने स्कल मास्क में एक आदमी देखा तो बॉबी कहता है कि हम हॉन्टेड हाउस में हैं, यहाँ ये सब कॉमन है। मैं खुद भी अभी तक 6 से 8 स्कल मास्क वाले लोगों को देख चुका हूँ। अब ब्रांडी आगे टूर पर जाने से मना कर देती है मगर फिर जैक ब्रांडी को ज्यादा पैसे देने का लालच देकर उसे बस हेलबेंड के टूर के लिए मना लेता है। अब हम देखते हैं कि रात के वक्त जब सारे दोस्त अपनी वैन में सो रहे होते हैं तब वैन के एग्जॉस्ट टक से एक आदमी वैन के अंदर एक गैस छोड़ता है जिससे कि सारे लोग गहरी नींद में सो जाते हैं और फिर 2-3 लोग वैन के अंदर घुसते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जब सारे फ्रेंड्स गहरी नींद से सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि उनकी वैन नॉर्थ कैरोलिना में एक खंडर बिल्डिंग के सामने पार्क है। सब आपस में ही बहस करने लगते हैं कि ये सब यहाँ कैसे पहुँचे। तभी वहाँ क्लाउन कॉस्ट्यूम में एक आदमी आता है और कार्डबोर्ड पर लिखा एक मैसेज दिखाता है जिसपे सीक आउट लिखा हुआ होता है। जब वो बिल्डिंग को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हेलबेंड हॉन्टेड हाउस है। अब अंधेरा होने के बाद ये ग्रुप हेलबेंड को विजिट करता है जहाँ गेट के एंट्रेंस पे एक आदमी एक बहुत ही बड़ी चेनसॉ के साथ उनका वेलकम करता है। बिल्डिंग के अंदर पूरा अंधेरा होता है और अंदर जाने पर उन्हें थोड़ी थोड़ी दूर पर एक क्लाउन्स मिलते हैं जो कि उन्हें आगे जाने का डायरेक्शन दिखाता है। इसी तरह वो चलते हुए एक रूम में पहुंच जाते हैं और वहां पीछे से कुछ लोग आते हैं और सभी को क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर देते हैं। अब ब्रांडी को जब होश आता है तो वो देखती है कि रूम में उसके दोस्त नहीं है और वहां एक आदमी है जो कि उसे पकड़कर बाहर ले जाता है। एक रूम में ब्रांडी ये देखती है कि माइकी को चेयर से बांध रखा है और उसके सर पर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा दिया जाता है। ब्रांडी ये सीन देखकर बहुत डर जाती है और रोने लगती है। अब वो आदमी ब्रांडी को पकड़कर आगे ले जाता है जहां बॉबी को एक रूम में उसके सर पे एक रॉड मारकर जान से मार दिया जाता है। अब फिर वो आदमी ब्रांडी को पकड़ के तीसरे रूम में ले जाता है जहां कुछ आदमी चेनसॉ से जैक का हाथ काट देते हैं। यहां ब्रांडी के साथ जो आदमी होता है वो ब्रांडी को अकेला छोड़ देता है। फिर ब्रांडी वहां से भागकर आगे जाती है और वो जेफ की बॉडी को फांसी से लटका हुआ देखती है। ब्रांडी अब जान चुकी है कि उसके सारे फ्रेंड्स मर चुके हैं और वो वहां से भागने की कोशिश भी करती है और भागते हुए वो एक बंद रूम में पहुंच जाती है जहां सेरेमिक मास्क पहनी 3 लड़कियां अंदर आती है और वो ब्रांडी को बाहर जाने का रास्ता दिखाती है। ब्रांडी वहां से भागती है और बिल्डिंग से बाहर चली आती है। बाहर उसे 4 लोग घेर लेते हैं और एक आदमी साइड में खड़ा होता है। ये चारों लोग ब्रांडी को एक बड़ा सा बॉक्स देते हैं और जब ब्रांडी उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें एक गन होती है। गन देखते ही चारों लड़के अपना मास्क उतार लेते हैं और ब्रांडी को गन नीचे करने को कहते हैं। ये चारों कोई और नहीं ब्रांडी के दोस्त बॉबी, जैक, माइकी और जेफ होते हैं। ये चारों उस 5th पर्सन से कहते हैं कि ये क्या मजाक है, तुमने तो कहा था कि इस बॉक्स में ब्रांडी के लिए सरप्राइज चेक होगा। मगर यहाँ ब्रांडी किसी साइको की तरह बिहेव करने लगती है और गन से अपने आप को ही शूट कर देती है। ये देखते ही सारे लड़कों की हवा निकल जाती है और वो एक दूसरे को ही ब्लेम करने लगते हैं। तभी थोड़ी देर में ब्रांडी उठती है और कहती है कि जो तुम्हें बिग ग्रैंड फिनाले एंडिंग चाहिए थी वो तुम्हें मिल गई, और ये कह के वो अपने दोस्तों को गालियां भी देती है गुस्से में। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जो कि हमें मूवी में पहले नहीं दिखाया गया था। दरअसल जब वो सेरेमिक मास्क वाली लड़कियां रूम में आती हैं तो वो ब्रांडी को पहले एक रूम में ले जाती हैं, जहां वो ब्रांडी को उन सारी रिकॉर्डिंग्स की वीडियो दिखाती है जिसमें उसके दोस्त ब्लू स्केलेटन ग्रुप के साथ मिलकर ब्रांडी को बेवकूफ बनाने का प्लान करते हैं और फिर ब्रांडी को वो लोग इस एक्सट्रीम हॉन्टिंग ट्रिप पर ले आते हैं
जो भी इंसिडेंट पिछले साल हुआ था वो भी प्लान्ड था और उसके सारे दोस्त उसमें शामिल थे। फिर वो सेरेमिक मास्क वाले लड़की ब्रांडी को एक बॉक्स दिखाती है जिसमें एक फेक गन है और एक फेक ब्लड का पैकेट। फिर ब्रांडी आगे का प्लान बना लेती है कि उसे अपने दोस्त को कैसे सबक सिखाना है। और फिर जो गन शॉट वाला सीन हम देखते हैं वो ब्रांडी का प्लान स्टंट होता है। और दोस्तों मूवी के एंड में हम देखते हैं कि ब्रांडी अपने सभी फ्रेंड के इस हरकत से बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है और वो सब वापस अपने वैन से घर चले जाते हैं। अब एंड में हम ब्लू स्केलेटन के एक आदमी को देखते हैं जिसने वही बोर्ड पकड़ा हुआ था जिस पर इन फ्रेंड्स को लिखा हुआ दिखा था सीक आउट हेलबेंट, जिसको वो रीअरेंज करता है और वहाँ दिखता है कि वो कुछ और नहीं बल्कि द ब्लू स्केलेटन ही है, जिसके साथ में अब मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो बेसिकली हुआ ये कि मूवी के फर्स्ट पार्ट के बाद ब्लू स्केलेटन ग्रुप के मेंबर्स ने इन चारों लड़कों को कॉन्टेक्ट किया कि वो उनकी हेल्प करे ब्रांडी के डर के रिएक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट वीडियो से बहुत अच्छा पैसा कमाया था। तो यहाँ ब्रांडी के फ्रेंड्स को इतना कुछ असर नहीं हुआ था, लेकिन हाँ ब्रांडी पे इस चीज का गहरा असर पड़ा था। तो ये सब मिलकर ब्रांडी को इसीलिए ही वापस लाना चाहते थे ताकि वो भी पैसा कमा सके, लेकिन कैच ये था कि ब्रांडी को कुछ पता ही नहीं था। अब ब्लू स्केलेटन ग्रुप को ये पता लगा कि ये चारों लड़के ब्रांडी का गलत तरह से फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि ब्रांडी को अब इनसे डर लगने लगा है। तो ब्रांडी के दोस्तों को सबक सिखाने के लिए ब्लू स्केलेटन ने उसको सच्चाई बता दी, जिससे हुआ ये कि उसके दोस्त सच में डर गए और ब्रांडी ने उनको उन्हीं की मेडिसिन का स्वाद चखा दिया। और ऑब्वियसली इस ट्विस्ट से इसके व्यूज और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, जैसा कि आपने मूवी के एंड में देखा ही था। मूवी काफी अच्छी है और इसका थीम भी काफी बढ़िया है। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो गो सीरीज पर जाकर जरूर देख लीजिए, अदरवाइज स्टोरी आपको समझ ही नहीं आएगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।